अहमदाबाद की धरती AIMIM के चीफ ओवैसी ने कर्नाटक में हिजाब पर चल रहे विवाद पर बड़ा बयान देते हुए तंत्र प्रदेश की मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं से अपने मंच के माध्यम से अपील की है कि 14 फरवरी के दिन जब वो अपना वोट करने जाएं तो हिजाब पहनें या सिर पर कपड़ा रखकर जाएं। उन्हें कोई नहीं बताएगा कि उन्हें क्या करना है, क्या खाना है। जो लोग हिजाब का विरोध कर रहे हैं वो अपने घरों में झांक कर देखें, हमारे घरों में ताक झांक ना करें। ओबीसी ने मंच से ये मैसेज मुस्लिम समाज को देते हुए खुलेआम कर्नाटक सरकार को खुला चैलेंज दिया है। वहीं ओबीसी ने आज मंच से और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें सरकार बनाने का मौका मिलता है तो वो ढाई ढाई साल के लिए समझौते पर सरकार चलाएंगे और उनकी सरकार में 3 डिप्टी CM होंगे जिनमें से एक दलित और एक अल्पसंख्यक भी रहेगा। ओबीसी इतने भर से नहीं रुके, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का मजाक बनाते हुए सबसे बड़ा फेकू कहते हुए उनके सऊदी अरब प्रवास का हवाला दिया है और जमकर मजाक बनाते हुए सामने खड़े समर्थकों की खूब तालियां बजवाई। वहाँ होंगे ढाई साल के लिए और ढाई साल के लिए एक दलित समाज से एक शख्स उसका मुख्यमंत्री होगा रियासत उत्तर प्रदेश का। ये भी हमने फैसला लिया, 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे जिसमें एक अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान होंगे और 2 पिछड़ा समाज के लोग डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि लोग और सियासी पार्टियां बड़ी बड़ी बात और दावे करते हैं सामाजिक न्याय की, सोशल जस्टिस की, इंसाफ की, मगर हमारा मानना यह है कि जब तक उसको एक अमली जामेनामा नहीं पहनाया जाएगा उस वक्त तक कमजोर अवाम का, मजलूम अवाम का ना उनका हक मिलेगा ना उनसे इंसाफ होगा। तो मेरी आपसे दमन गुजारिश है कि आप अपने वोट के इस्तेमाल के दिन जब 14 तारीख को आपको मतदान करना है आप इन बातों का ख्याल। नौजवान नाराज है, 70 लाख नौकरियों का वादा किया, योगी ने भी मोदी की तरह लंबी फेंक लगा दी और जब बात बस प्राइम मिनिस्टर मोदी बोलते ना कि राजनीति में कभी कभी मजाक भी कर लेना चाहिए, तो हमको एक लतीफा याद आया। देश के प्रधानमंत्री सऊदी अरब गए, वहां पर सऊदी हुकूमत ने उनको सबसे बड़ा इनाम दिया, सबसे बड़ा इनाम। हमारे लिए भी फखर की बात है वरना बीजेपी के लोग बोलेंगे जलता है। जब प्रधानमंत्री सऊदी अरब गए तो एक पुराना खिलाने तोप लगी हुई थी, तो प्रधानमंत्री बड़े हर चीज का बड़ा गहराई से गंभीरता से जायजा लेते। प्रधानमंत्री वो तोप को देखो आगे पीछे करके कितनी लंबी है। बाद में प्रधानमंत्री ने सऊदी शेख से पूछा कितना फेंकती है, तो सऊदी शेख ने कहा वल्ला भी तुमसे कम। ये जोक है, दिल पे मत लो, गुर्दे पे लो, उसके बाद क्या करते कर लो। नौजवान नाराज है, 70 लाख नौकरियों का वादा किया, योगी ने भी मोदी की तरह लंबी फेंक लगा दी और जब बात दूर दूर तक फेंकने की आती तो हमने बस प्राइम मिनिस्टर मोदी बोलते ना कि राजनीति में कभी कभी मजाक भी कर लेना चाहिए, तो हमको एक लतीफा याद आया। देश के प्रधानमंत्री सऊदी अरब गए, वहां पर सऊदी हुकूमत ने उनको सबसे बड़ा इनाम दिया, सबसे बड़ा इनाम। हमारे लिए भी फखर की बात है वरना बीजेपी के लोग बोलेंगे जलता है। जब प्रधानमंत्री सऊदी अरब गए तो एक पुराना खिलाने तोप लगी हुई थी, तो प्रधानमंत्री बड़े हर चीज का बड़ा गहराई से गंभीरता से जायजा लेते। प्रधानमंत्री वो तोप को देखो आगे पीछे करके कितनी लंबी है। बाद में प्रधानमंत्री ने सऊदी शेख से पूछा कितना फेंकती है, तो सऊदी शेख ने कहा वल्ला भी तुमसे कम। ये जोक है, दिल पे मत लो, गुर्दे पे लो, उसके बाद क्या करते कर लो। तो ये मामला योगी की 70 लाख नौकरी देने कितना दिए बताइए आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छा फैसला लेंगे और मैं हमारी और बहनों से अपील कर रहा हूं कि 14 तारीख के दिन इंशाअल्लाह ताला अगर आप हिजाब निकाब और चादर डालती है तो जरूर डाल के आइए,
दूसरे लोगों को बड़ा शौक हो गया। नहीं नहीं हाई चादर बुरखा ये महिलाओं को दबाने की निशानी है। अरे मेरे घर में क्यों साकरा, तेरे घर में जान, मेरी बेटी, मेरी बीवी, मेरी पत्नी, मेरी अम्मा, मेरी काला, वो कैसे